चलिए सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। पांच राज्यों के चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी कैसी है? दरअसल आज दिल्ली में बैठक की जाएगी। इस तैयारी को लेकर ही सुबह 11 बजे से 15 जीआरजी आज गौरव गोगोई बैठक लेंगे 15 जीआरजी में सुबह 11 बजे, यानी कि अब से लगभग एक घंटे के बाद सभी सचिव और प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनावी तैयारी और रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में चुनावी तैयारी और रणनीति पर मंथन होगा। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले पत्ता खोल दिया है, लिस्ट जारी कर दी है, उसी को लेकर कल हलचल भी तेज हो गई थी, मंत्रणा चल रही थी केसी वेणुगोपाल के आवास पर। और आज गौरव गोगोई बैठक लेंगे 11 जीआरजी में। सभी सचिव प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में चुनावी तैयारी और रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। पांच राज्यों के चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी की आगे की रूपरेखा बढ़ाएगी, रणनीति तय करेगी। 15 जीआरजी में आज गौरव गोगोई बैठक लेंगे। सभी सचिव प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि बेहद सेंसिटिव टाइम चल रहा है। क्योंकि एक तरफ नतीजे, एक तरफ घोषणा हो चुकी है कि चुनाव कब होने हैं, 23 नवंबर को चुनाव होंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए, 41 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया गया, सबसे पहले ओपन किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब टेंशन थोड़ी सी बढ़ गई कांग्रेस के लिए भी, और इसलिए मंत्रणाओं का दौर कल देर रात से ही चल रहा है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। अदिति, इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बेहद सेंसिटिव टाइम चल रहा है, चाहे चुनाव की तारीखों की घोषणा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने पत्तों को खोलना। और ये भी अपडेट कीजिएगा, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत लंबे समय बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे जी। जाहिर तौर पर जब आप दिल्ली पहुंचे और आपने सीडब्ल्यूसी बैठक में हिस्सा लिया, जो कि पांच राज्यों के साथ साथ राष्ट्र नेतृत्व में क्या करने वाली है कांग्रेस 2024 के लिहाज से, उस सब पे मंत्रणा हुई, प्रेस वार्ता हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को केसी वेणुगोपाल, डोटासरा जी, इसके अलावा प्रभारी रंधावा जी के साथ बैठे, जिसमें चुनाव कैंपेन, आगे की रणनीति, राजस्थान में चुनाव किस तरीके से जाना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन उस समय मंत्रणा ये भी हुई कि हमको टिकट को लेकर, स्क्रीनिंग कमेटी, पीसी के सर्वे, तमाम चीजों को लेकर हमें बैठना है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक दौरा है सदाशय, तो वहां से लौटकर वापस दिल्ली आएंगे और शाम को टिकट को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर एक विस्तार से बैठक होगी, जिसमें केसी वेणुगोपाल सहित अन्य इंपॉर्टेंट नेता रहने वाले हैं। इसके अलावा आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जो 12:30 बजे शुरू होगी, और गौरव गोगोई तमाम प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ टिकट पर मंत्रणा करेंगे। और फिर 12 तारीख को पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तमाम नेता मौजूद होंगे और उस पर सूची पे चर्चा होगी, सूची पे फाइनलाइजेशन होगा, और उसके बाद सीसी में वो लिस्ट जाएगी, और जब केंद्रीय चुनाव समिति के पास, केंद्रीय इलेक्शन कमेटी के पास जाएगी, फिर टिकट जारी होगी। तो संभवतः 16 तारीख से पहले पहली सूची जारी की जा सकती। ठीक है, और आप जैसे जानकारी दे रहे थे सरदारचार भी पहुंचेंगे। अशोक गहलोत तारानगर रोड स्थित स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की प्रतिमा का आज अनावरण कार्यक्रम है, मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है दीदी, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जनसभा को संबोधित करेंगे। और सरदार शहर की अगर हम बात करें तो ये बेहद खास सीट है, इलाका है, चूरू से राजेंद्र राठौड़ आते हैं और नेता प्रतिपक्ष है, वो इलाका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही अभी तक कांग्रेस प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस के चाहे संगठन हो चाहे खुद मुख्यमंत्री के अलावा प्रचार में जाए, एक तरफ मुख्यमंत्री 9 बार दौरे कर चुके थे राजस्थान में, वहां राहुल गांधी के केवल 2 बार दौरे हुए। लेकिन इन तमाम व्यस्तताओं के बीच, जहां पर चुनाव में टिकटें और तमाम चीजें फाइनल करनी है, उस बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दौरा, ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस दौरे में जैसे आपने कहा कि अनावरण होगा मूर्ति का, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रस्थान लगभग 12 बजे होगा, 12:15 बजे वो सरदार शहर पहुंचेंगे, जहां पर स्वर्गवासी पंडित भंवरलाल शर्मा की प्रतिमा का अनावरण समारोह करेंगे। और उडसर तारानगर दिल्ली रोड सरदार शहर, ये वो इलाका है जहां पर ये कार्यक्रम होगा, संबोधित करेंगे लोगों को, वहां पर तमाम जो टिकटार्थी भी हैं, लोकल जो नेता हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए, संभवतः ये देखना होगा कि वो जयपुर जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, लेकिन उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है, अगर वो हो जाएगी उनके प्रस्थान से पहले तो शायद वापस नहीं आए दिल्ली, और अगर नहीं होगी तो आज शाम वो बैठक होगी। तो ऐसे में
संभवतः सोनिया गांधी के साथ उनकी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी महत्वपूर्ण मंत्रणा है जो 12 बजे पहले होती है, तो फिर वो शाम को जयपुर लौट जाएंगे वरना वो वापस दिल्ली आएंगे। ऐसे में आज का पूरा दिन कांग्रेस की सूची टिकटार्थियों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीदी इस जानकारी के लिए।